नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि BSSC सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आने वाली है, तो उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि BSSC फर्स्ट इंटर लेवल PT का कट ऑफ कितना गया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कितने परसेंटाइल मार्क्स आए थे जिससे कि मैं मेंस के लिए सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरा निगेटिव काट करके कितना मार्क्स आ रहा था, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, परसेंटाइल मार्क्स में आपका जो रो मार्क कितना है ये पता नहीं चल पाता है, तो मेरा कितना रो मार्क्स आ रहा था ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद BSSC की परीक्षा देने के लिए आपको कौन कौन से पेपर मजबूत होने चाहिए जिससे कि आपका रिजल्ट सिक्योर हो सके, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, परसेंटाइल मेरा मार्क्स कितना आया था इसका मैं PDF आप लोगों को दिखाने वाला हूं। मेरे पास इसका PDF भी उपलब्ध है क्योंकि BSSC ने PDF दे दिया था, सभी का मार्क्स कितना कितना आया था ये BSSC ने सबको क्लियर कर दिया था। फर्स्ट इंटर लेवल 2014 का PT कट ऑफ का भी PDF मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती है उसमें आप बैठना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी दोनों मिला करके लगभग में 7000 से ज्यादा भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। और अगर इसमें क्लर्क का भी अगर इसमें पोस्ट एड कर दिया जाए तो ये जो है सो लगभग 10000 प्लस भर्ती होने वाली है। दोस्तों, 10000 भर्तियां एक स्टेट में काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी करने की जरूरत है। 7000 प्लस इस दोनों का पोस्ट है दोस्तों, काफी शानदार पोस्ट है ये दोनों। उसके बाद क्लर्क का भी लगभग 3000 से ऊपर पोस्ट यहाँ पर आने वाला है, तो ऐसे में आप लोगों को तैयारी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बहुत ही मेहनत से आप लोगों को करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया था, फर्स्ट इंटर स्तरीय 2014 के परीक्षा में कट ऑफ कितना गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जो था 15/7/2022 का ये नोटिस है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल मार्क्स की सूची यहाँ पर आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। टोटल 63,739 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए थे, तो उन्हीं का यहाँ पर परसेंटाइल कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। जो पास हुए थे उन्हीं का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा ये लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट में देखिए कि सामान्य जो कैटेगरी के हैं, देखिए टोटल है 63,739 और प्लस 1218 यानी कि टोटल 64,957 यहाँ पर PT का रिजल्ट आया था 13,000 सीट के लिए, यानी कि लगभग 5 गुना रिजल्ट जो है दोस्तों यहाँ पर मेंस के लिए दिया जाता है। तो देखिए, सामान्य जो कैटेगरी है, सामान्य कैटेगरी, तो उनका परसेंटाइल स्कोर जैसे 96.92%, तो 96.92% अगर आपका आया है, इससे ज्यादा आया है, तो आप सामान्य श्रेणी से पास थे प्रीलिम्स PT एग्जाम 2014 वाले वैकेंसी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको सभी का नहीं बताऊंगा, आप लोग देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं इसमें, मैं आपको सामान्य का बता देता हूं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी BC कैटेगरी का बताता हूं। तो BC कैटेगरी में देखिए यहां पर कि 95.62% गया है BC कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिए 88.06% है, 88.06% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC, जो कि जिसको बिहार में MBC भी बोलते हैं, MBC, और इसको क्या बोलते हैं BC, और इसको क्या बोलते हैं जनरल या UR, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें SC का, तो SC का देखिए कितना गया है, SC का 76.62% गया है। उसके बाद देखिए ST का देखिए, तो ST का देखिए दोस्तों, यहाँ पर ST का गया है 71.76%, बिल्कुल ही कम गया है। और यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला का देखिए यहाँ पर कितना गया है, ये गया है 86.66%। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर
2014 की जो वैकेंसी थी उसमें महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण था? तो आपको पता है कि महिलाओं को 3% आरक्षण उस समय में दिया गया था। लेकिन अभी कितना परसेंट आरक्षण है महिलाओं को? 2016 के बाद महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया कितना? 35%। तो ये दोस्तों, अगर आप बॉयज हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अब, क्योंकि 35% सीट पर महिलाओं का अधिकार होगा। तो आपके पास बच रहा है केवल और केवल दोस्तों कितना परसेंट सीट? केवल और केवल बॉयज के लिए बच रहा है यहाँ पर 65% सीट। पहले था बॉयज के लिए 97% सीट, लेकिन अब जो है बॉयज के लिए सिर्फ और सिर्फ 65% सीट है। तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। आपने कट ऑफ देख लिया, सामान्य का 96 है, पिछड़ा वर्ग का 95 है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा का 88 है, अनुसूचित जाति का 76 है, एसटी का 71 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 86 है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 96% सामान्य श्रेणी का 96% है, तो कितने मार्क्स पर ये 96% ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जाते हैं, अब मैं आपको अपना मार्क्स बताता हूं कितना आया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, स्कोर कार्ड ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कमेटी पीटी एग्जामिनेशन 2014 का है। ठीक है, इसमें देखिए मेरा रोल नंबर था, मैंने इसको मिटा दिया है। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर नहीं देखना चाहिए किसी को भी, चलिए कोई बात नहीं है। नेम ऑफ द कैंडिडेट नीरज कुमार सिंह मेरा नाम है, पिताजी का नाम। फाइनल कैटेगरी मेरा बीसी है। ठीक है, और जेंडर क्या है? मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को मैंने छुपा दिया है। डीक्यू स्टेटस नो, स्टेटस में देखिए प्रेजेंट, मैंने एग्जाम दिया था। क्वालिफाइंग स्टेटस में देखिए क्वालिफाई है। परसेंटाइल स्कोर 98.70%। आपने देखा था कि 96% था यूआर का, 95% था बीसी का, उसके बाद आपका 88% था शायद, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कितना परसेंटाइल था। ईबीसी का 88% था। ठीक है, एससी का कितना परसेंटाइल था? एससी का मार्क्स था दोस्तों ये था 76%। ठीक है, एसटी का था 71% और महिला बीसी कैटेगरी की महिला जो थी इनका था परसेंटाइल 88% के आसपास था। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मेरा था परसेंटाइल 98.70 और यूआर का कट ऑफ था 96%, यानी कि मेरा यूआर से रिजल्ट था इसमें। ठीक है, और यहां से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि नंबर मेरा कितना आ रहा था। तो मेरा नंबर दोस्तों आ रहा था 105 के आसपास मेरा नंबर आ रहा था आउट ऑफ 150। ठीक है, 150 में से लगभग प्रीलिम्स में 105 के आसपास आ रहा था। तो अगर 105 के आसपास जो है दोस्तों 98% है, तो आप समझ सकते हैं कि 96% लगभग में 103 के आसपास आ सकता है। 95% जो है सो लगभग 98-99 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 88% जो है दोस्तों ये लगभग में 93 के आसपास आ सकता है। ठीक है, 76% काफी कम है, 76% काफी कम है यहाँ पर। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये 85 के आसपास 76% और एसटी का 71% है जो कि आपका 70 के आसपास आ सकता है, और महिलाओं का जो है 88 है, यानी कि महिला का 93 के आसपास यहाँ पर आया होगा कट ऑफ। तो देख सकते हैं आप कि यूआर कट ऑफ 103 के आसपास गया होगा, बीसी का कट ऑफ 98 के आसपास, ईबीसी का 93, एससी का 85, एसटी का 70 और महिलाओं का 93 के आसपास जो कट ऑफ गया था, ये पिछले बार का कट ऑफ है। ठीक है, ये मैं अनुमान लगा के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा लगभग में 105 के आसपास नंबर आ रहा था और मेरा 98% था, तो 96 उससे कम होगा, 95 उससे भी कम होगा, 88 उससे भी कम होगा, 76 उससे भी कम होगा, 71 उससे भी कम होगा। तो इस तरीके से मैंने अनुमान लगा करके आपको एक मोटा मोटी
बताया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ये पहले की वैकेंसियां थी, अब थोड़ा सा और कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। इसमें आप 1-2% बढ़ा करके ही आप कट ऑफ को रखिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों कि कौन कौन से बुक्स को मैंने फॉलो किया था, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि कौन कौन से पेपर आपको ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है अभी से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BSSC की परीक्षा में आप लोगों को कौन कौन से पेपर को मजबूत करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर GK GS की बात करें, GK GS का, तो इसमें आपका 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये 50 क्वेश्चन रहता है कितने नंबर का, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होता है, ठीक है। साइंस की बात करें तो साइंस जो है दोस्तों ये रहता है 25 क्वेश्चन, और ये होता है कितने नंबर का, 100 नंबर का, ठीक है। साइंस हो गया, GS हो गया, अब आते हैं मैथ। मैथ में ये रहता है 25 क्वेश्चन, और इसका भी 100 नंबर। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में 50 प्रश्न, और ये भी रहता है कितना का, 200 नंबर का। यानी टोटल जो है दोस्तों आपका 600 मार्क्स का एग्जाम होता है और 150 प्रश्न होता है, ठीक है। और समय आपको दिया जाता है इसमें 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट आपको इसमें समय दिया जाता है। तो आपको 2 घंटा 15 मिनट देख करके लग रहा होगा कि बहुत समय है, लेकिन दोस्तों ये 15 मिनट जो है दोस्तों आपको इधर उधर में चला जाएगा, बचेगा आपके पास 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट, ठीक है। और 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें कि 50 रीजनिंग और 25 मैथ सभी टाइम लेने वाले होते हैं, यानी 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कम से कम 80 मिनट से 85 मिनट आपको 1.5 घंटा के आसपास लग जाएगा, बचेगा आधा घंटा, तो आधा घंटा में इस 75 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है। तो ऐसे में आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, अभी से आपको मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक तो 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और दूसरी बात इसमें समय भी लगता है सॉल्व करने में। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका 100% जो स्कोरिंग है ये भी नहीं कर पाइएगा, और इसमें समय लगता है, तो समय आपका ज़्यादा लग जाएगा तो आप सारा क्वेश्चन को देख भी नहीं पाइएगा। ऐसा सभी के साथ होता है दोस्तों, आपको समय लग रहा होगा 2 घंटा 15 मिनट है, लेकिन यही समय आपको कम पड़ जाता है एग्जाम में जा करके। तो आप मैथ और रीजनिंग पर 100% कमांड कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये आपके आपको जो मैथ रीजनिंग जो दोस्तों दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि BSSC के लिए ही पढ़ना है इसको। आप अगर रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें भी आपको मैथ और रीजनिंग काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों, क्योंकि रेलवे में जो जमाना था पहले GK का जमाना वो चला गया है। मैथ रीजनिंग साइंस अगर मजबूत है तो रेलवे में आपकी जो नौकरी कोई नहीं रोक सकता है, आप आराम से रेलवे में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका मैथ रीजनिंग एक बार अच्छा हो जाता है दोस्तों तो ये आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब आते हैं साइंस पेपर पर। तो मैंने क्या बताया आपको कि मैथ और रीजनिंग आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो मैथ और रीजनिंग पर अभी से आप काम करना चालू कर दीजिए। बच गया साइंस, तो साइंस में दोस्तों साइंस को भी अच्छा करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन साइंस के ऐसे रहते हैं जो आप कितना भी साइंस को अच्छा कर लीजिएगा तो आपका ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन साइंस में सही करना है तो आपको बहुत अच्छे ढंग से साइंस को पढ़ना ही होगा। GK के लिए लूसेंट SPD पढ़िएगा, वही काफ़ी है, और करंट अफेयर जो दोस्तों है, करंट अफेयर के लिए एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे जो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। देखिए मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किया था, मैंने इसका मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। देखिए मैंने सामान्य अध्ययन के लिए 2 बुक फॉलो किया था। पहला बुक था लूसेंट जनरल साइंस, सॉरी लूसेंट जनरल नॉलेज
लुसेंट जनरल नॉलेज, जिसको कि आप लोग लुसेंट जीके भी बोलते हैं, लुसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है, ब्लू वाली बुक, और दूसरा था रेलवे सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन अध्ययन, ठीक है, जिसको कि एसपीडी का मैंने लिया था, ठीक है। तो ये दोनों आप जो है सो ले सकते हैं, किसके लिए, तो सामान्य अध्ययन पेपर के लिए, ठीक है, लुसेंट और एसपीडी, ठीक है, ये दोनों सफिशियंट है। आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा इसका सीजीएल, जो थर्ड सीजीएल था, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, तो इसका मेंस का पेपर मैंने दिया था। तो मेंस के पेपर में अगर मैं इस दोनों बुक को पढ़ करके अच्छे ढंग से, अगर आप जाइएगा इस दोनों बुक को पढ़ करके, तो 50 क्वेश्चन में से आपका 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसी दोनों बुक से क्वेश्चन मेंस में भी आए थे। सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में लुसेंट, जनरल साइंस, यानी लुसेंट सामान्य विज्ञान मैंने पढ़ा था, ठीक है, लुसेंट सामान्य विज्ञान जो ग्रीन वाली बुक है उसको मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा बुक समझ में आ रहा है, बढ़िया है, तो उस बुक से भी आप कर सकते हैं। मैंने लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ा था विज्ञान के लिए, ठीक है। गणित के लिए अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, अगर इंटर आप पास किए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तैयारी, तो आप या तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, YouTube का सहारा, या आप जो है सो आर एस अग्रवाल का जो बुक है उसको आप लोग खुद से पढ़ करके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सीखे हुए हैं तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग में मैंने कोई सा भी बुक फॉलो नहीं किया था, बस इसमें मैंने सेट प्रैक्टिस किया था रेलवे का, एसएससी का, तो इसी से मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया था। और करंट के लिए हो सके तो आप डेली एक एक डेली डेली वेज पे 10 मिनट का करंट का वीडियो, 10 मिनट का करंट का वीडियो देखिए, और लास्ट में जब एग्जाम एक महीना बचेगा तो आप जो है सो वार्षिक अंक लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपना, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर बात करें अगर सामान्य अध्ययन के लिए, तो लुसेंट सामान्य ज्ञान यानी रणजी के, और रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी, ये दोनों आपको लेना है। सामान्य विज्ञान के लुसेंट जनरल साइंस जो ग्रीन वाली आती है वो मैंने पढ़ा था। आप दूसरा भी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई है तो वो भी ले सकते हैं। गणित के लिए मैंने आरएस अग्रवाल को सीखने के लिए बनाया था, क्योंकि मैं पहले ही सीख चुका था तो मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, और जब मैं सीखा था तो मैं आरएस अग्रवाल किताब से ही सीखा था मैथ को। तर्क शक्ति परीक्षण के लिए आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो YouTube का सहारा लेकर के आप इसको सीख सकते हैं। करंट के लिए डेली बेस पर 10 मिनट का कोई भी किसी का कोई भी चैनल का करंट पढ़िए, ठीक है, डेली अभी से, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो वार्षिक अंक लेकर के आपको पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से आपको लगता है कि कुछ आपको जानकारी मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।